दिल्ली के गोचर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साल 2023 17 जनवरी को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जब कभी भी अपनी चंद्र राशि से तीसरे भाव या छठे भाव या ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे या गोचर करेंगे, जब वो शुभ परिणाम देंगे, यानी कि धनुष राशि जातकों को, कन्या राशि जातकों को और मेष राशि जातकों को इस गोचर के कारण शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि जब कभी भी अपनी राशि से बारहवें भाव में गोचर करेंगे, इसका मतलब हो गया कि आपका साढ़े साथी शुरू हो गया। इसका मतलब शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि जातकों को साढ़े साथी शुरू हो जाएगा और मकर और कुंभ राशि जातकों को साढ़े साथी पहले से ही चल रही है। मकर, कुंभ और मीन राशि जातकों को साढ़े साथी साल 2023 भर चलेगा। शनि जब कभी भी चौथे भाव में और आठवें भाव में गोचरित करेगा, उसे कंठक शनि या अर्धाष्टम शनि कहला जाएगा। और अष्टम भाव में जब कभी भी गोचर करेगा, उसे अष्टम शनि कहला जाएगा। वृश्चिक राशि जातकों को कंठक शनि शुरू हो जाएगा और कर्क राशि जातकों को अष्टम शनि शुरू हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि जातकों के अलावा वृश्चिक राशि और कर्काटक राशि जातकों के लिए अशुभ परिणाम ही मिलेंगे। वृषभ, मिथुन, सिंह और तुला राशि जातकों के लिए ये गोचर मिश्र फल देगा, क्योंकि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, जहां पे हमने बताया कि मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक और कर्काटक राशि जातकों के लिए अशुभ परिणाम देगा, वहां पे मकर और कुंभ राशि जातकों के लिए अशुभ परिणाम में कमी देखने को मिल रही है। शनि के ये गोचर 2.5 साल का रहेगा, हमने बताया है। इसका मतलब 17 जनवरी 2023 से लेकर 30 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में लगातार गोचर करता रहेगा। और शनि 17 जून 2023 से लेकर नवंबर 4 तक वक्री अवस्था में चलेंगे। वैदिक के अनुसार जब कभी भी शनि वक्री अवस्था में चलेंगे, वो और भी बली हो जाएंगे। इसका मतलब जब वो शुभ परिणाम देंगे, और भी शुभ परिणाम देंगे वक्री अवस्था में। अशुभ फल जातकों को और भी अशुभ फल मिलेगा जब वो वक्री अवस्था में रहेंगे। जिस कौन सा भी जातकों के लिए जो शनि का अशुभ परिणाम मिल रही है, उसके लिए चंद परिहार करना काफी जरूरी है। उसके लिए आप नीचे हुए नंबर पर संपर्क करें या हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, कस्टमर सपोर्ट को पे संपर्क करिए।